हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 6 के मल्टीपल में फंदे लेके 2 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा डिज़ाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में डालिए, जैकेट में डालिए, स्वेटर में डालिए, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए फ्रेंड्स। डालने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। जितना डिज़ाइन देखने में सुंदर है उतना ही बनाने में बिल्कुल ही आसान डिज़ाइन है। डिज़ाइन बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स, हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी सिलाई है। इस सिलाई को आप भूल जाइए, यहाँ से मानिए फंदे डाल के हमने पहली सिलाई बनाएंगे। पहली सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही आसान डिज़ाइन है। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, अगला फंदा धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे, अगले फंदे में हम फिर से 3 बार धागा लपेटेंगे, 2 और 3, फिर से हम 3 फंदे ऐसे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, फिर से अगले फंदे में 3 बार धागा लपेटेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से बताऊंगी, एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बनाया, एक फंदे में अगले फंदे में 3 बार धागा लपेट के बनाया है, तीन बार धागा लपेटा, फिर से 3 फंदे सीधे, फिर से एक बार धागा लपेटा, फिर से एक फंदा उल्टा, फिर से हम धागा पीछे करेंगे और अगले फंदे में हम 3 बार धागा लपेट लेंगे, फिर से अगले 3 फंदे हम ऐसे सीधे बनाएंगे, फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे, एक फंदा, फिर से हम 3 बार धागा लपेट के बनाएंगे, फिर से अगले 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर से अगले फंदे में हम फिर से 3 बार धागा लपेटेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे, फिर से एक फंदे में 3 बार धागा लपेटेंगे, फिर से अगले 3 फंदे सीधे, 2 3, फिर से अगले फंदे में 3 बार धागा लपेटेंगे, फिर से धागा अपनी ओर, फिर से एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे, फिर से एक फंदे में 3 बार धागा लपेट के बनाएंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, फिर से अगले फंदे में 3 बार धागा लपेटेंगे, फिर से धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे, अगले फंदे में फिर से हम 3 बार धागा लपेटेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 2 और 3, फिर से 3 बार धागा लपेटेंगे, फिर से लास्ट के 2 फंदे हैं, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके स्टिच फंदे को सीधा। ये हमने पहली सिलाई को सीधी साइड से बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं इसकी उल्टी सिलाई और दूसरी सिलाई की तरफ। उल्टी सिलाई को फ्रेंड्स, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगला फंदा धागा पीछे करके ये फंदा जो सीधा दिखाई दे रहा है इन्हें सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, फिर से जो फंदा लपेटा था उसे खोल लेंगे और अब हम 3 फंदे जो उल्टे दिखाई दे रहे इस साइड से, जो मैंने सीधे बनाए थे सीधी तरफ से,
यहाँ पर उल्टी साइड से हम तीनों फंदों को उल्टा बनाएंगे, तीन। फिर से जो फंदा लपेटा था उसे खोल लेंगे, फिर से धागा पीछे करके जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है इन्हें सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, फिर से फंदे लपेटे को खोलेंगे और तीन फंदे फिर से हम उल्टे बुन लेंगे। फिर से जो फंदा लपेटा था उसे खोल लेंगे, धागा पीछे करेंगे, जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे, धागा अपनी ओर, फिर से फंदे को खोलेंगे, फिर से हम तीन फंदे ये उल्टे बनाएंगे, फिर से ये लपेटे हुए फंदे को खोलेंगे, धागा पीछे करेंगे, जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है यहाँ से जो मैंने उल्टा बनाया था वो बैक साइड से सीधा दिखाई दे रहा तो इसे हम सीधा ही बना लेंगे, धागा अपनी ओर, इस लपेटे हुए फंदे को खोल लेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो और तीन, फिर से फंदे को खोलेंगे, धागा पीछे, सीधे फंदे को सीधा ही बनाएंगे, फिर से धागा अपनी ओर, फिर से हम तीन फंदे उल्टे, तीन, फिर से लपेटे हुए फंदे को खोलेंगे, धागा पीछे, जो सीधा फंदा है उसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, लपेटे हुए फंदे को खोल के अगले तीन फंदे फिर से हम उल्टे बनाएंगे, फिर से धागे लपेटे फंदे को खोल लेंगे और जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, लास्ट का फंदा उल्टा। ये हमने अपनी दूसरी सिलाई को उल्टी तरफ से बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है इसकी तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। पहले स्टिच फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा ही से उल्टा बनाएंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे, जो मैंने धागा खोला था उसे ऐसे स्लिप करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे, दो और तीन, फिर से जो फंदा खोला था उसे ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर, जो उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है इसे हम उल्टा ही बुन लेंगे, धागा पीछे, फिर से जो स्लिप किया फंदा इसे स्लिप करेंगे, खोला हुए फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा दिखाई दे रहा उसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, खोले हुए फंदे को स्लिप करेंगे, अगले तीन फंदे फिर से हम सीधे बना लेंगे, फिर से जो खोला हुआ फंदा इसे खोल लेंगे, स्लिप कर लेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, स्लिप किए फंदे को जो खोला हुआ था इसे स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, फिर से जो खोला हुआ फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, खोले हुए फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदे सीधे, फिर से खोले हुए फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है इसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, फिर से खोले हुए फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, स्लिप किए फंदे को, खोले हुए फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा उल्टा ही बनाएंगे, लास्ट का स्टिच फंदा सीधा बनाएं। ये हमारी तीसरी सिलाई बुनकर कंप्लीट है। अब आ गए हैं इसकी चौथी सिलाई की तरफ। चौथी सिलाई में फ्रेंड्स पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे, जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर जो फंदा हमने खोला था उसे स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे उल्टे, फिर से जो फंदा खोला था उसे हम स्लिप करेंगे, सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे, जैसे मैंने दूसरी सिलाई बनाई थी उस तरह से इस सिलाई को भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे।
तीन फंदे उल्टे, स्लिप किया हुआ फंदा था उसे स्लिप करेंगे, जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी हो स्लिप किए फंदे को स्लिप करेंगे, फिर जो तीन फंदे हैं इन्हें हम उल्टा ही बुन लेंगे। फिर से जो स्लिप किया फंदा था इसे स्लिप करेंगे, सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे, स्लिप किए फंदे को स्लिप किए करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर से जो स्लिप किया फंदा था स्लिप करेंगे, धागा पीछे करके सीधे फंदे को सीधा ही बनाएंगे, धागा अपनी ओर, फिर से तीन फंदे उल्टे, फिर से स्लिप किया फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे करके जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है ये वाला इन्हें सीधा बनाएंगे, फिर से स्लिप किया फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से स्लिप किए फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करके जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, लास्ट का फंदा स्टिच उल्टा बनाएंगे। ये हमने चौथी सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है पांचवी सिलाई की तरफ। पांचवी सिलाई में फ्रेंड्स हमारा डिजाइन डलेगा। डिजाइन हम किस तरह से डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर करके जो उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बनाएंगे। अब जो फंदे हमने खोल लिए थे इस फंदे को हम ऐसे निकालेंगे, तीन फंदे हम राइट नीडल पर लेंगे, फिर से जो फंदा हमने ये खोला था इसे भी ऐसे गिरा लेंगे। अब जो फंदा ये इधर है राइट साइड की तरफ, इसे हम लेफ्ट नीडल पे लेके और तीनों फंदों को हम इस नीडल पे लेफ्ट वाली पे लेंगे, और लेफ्ट वाला जो फंदा था लेफ्ट नीडल पर उसे हम यहाँ पर डाल लेंगे। अब हमारे दो फंदे तो ये खुले हुए, तीन बीच के, इन पांचों फंदों को हम धागा पीछे करके सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार और पांच। ये हमारा डिजाइन इस तरह से डलने लग गया। फिर से जो उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है इसे हम बीच में उल्टा ही बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से खोले हुए फंदे को ऐसे गिरा देंगे, तीन फंदे ये राइट नीडल पे लेके आएंगे, इसको भी हम ऐसे ही गिरा देंगे। इस तरह से गिराने के बाद हम इस फंदे को इधर लेके आएंगे, और फिर से हम तीनों फंदों को हम ऐसे इस नीडल पे लेके आएंगे, और जो ये फंदा है इसे हम यहाँ पर लेके आएंगे, और इन पांचों फंदों को फिर से हम सीधा ही बुन लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। ये हमारा इस तरह से डिजाइन डालना शुरू हो गया है। अब अपनी तरफ करके जो उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है इसे उल्टा बनाएंगे, फिर से हम इस फंदे को, ये लपेटे हुए फंदे को स्लिप करेंगे, और तीनों फंदों को हम नीडल पे लेके आएंगे, और इस फंदे को भी यहाँ गिरा देंगे। अब हमने जो ये राइट साइड वाला फंदा है वो लेफ्ट वाले पे लेके, और तीनों फंदों को फिर से हम लेफ्ट नीडल पे लेके आएंगे, और इस फंदे को भी इसमें डाल लेंगे, धागा पीछे करके पांचों फंदों को फिर से हम सीधा बनाएंगे। चार और ये पांच, फिर से धागा अपनी ओर, एक फंदा जो उल्टा दिखाई दे रहा है इसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके फिर से लपेटे हुए फंदे को गिरा के, और तीन फंदे जो ये सीधे हैं इन्हें राइट नीडल पे लेके आएंगे, फिर इस फंदे को भी गिरा देंगे लपेटे हुए फंदे को। फिर अब जो ये वाला फंदा है ये इधर लेके आएंगे राइट वाला, तीनों फंदों को इस सिलाई पे लेके आएंगे लेफ्ट वाले पे, फिर इस फंदे को फिर से लेफ्ट वाले नीडल पे इस तरह से लगा लेंगे, फिर से हम पांचों फंदों को सीधा बनाएंगे।
ये हमारी पांचवी सिलाई है और सीधी सिलाई है। फिर से धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, फिर से वही चीज़ रिपीट, फंदे को गिराएंगे, तीन फंदे राइट वाली नीडल पे लेके जाएंगे और ये लेफ्ट वाली नीडल का लपेटा हुआ फंदा भी गिरा देंगे। अब जो ये फंदा है राइट साइड का, इसे इस पे लेके आएंगे, तीन फंदे हम फिर से लेफ्ट नीडल पे लेके और लेफ्ट वाले फंदे को लेफ्ट इस साइड में आगे लेके आएंगे। फिर से पांचों फंदों को हम ऐसे सीधा ही बना लेंगे। फिर से जो उल्टा फंदा दिखाई दे रहा उल्टा बनाएंगे, लास्ट का जो फंदा स्टिच उसे हम सीधा ही बनाएंगे। ये हमारा इस तरह से डिजाइन डलना शुरू हो गया है। अब आ गए हैं इसकी उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड में फ्रेंड्स एक फंदा स्लिप किया लास्ट वाला, जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा सीधा बनाएंगे और जो फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं उल्टे बना, ये पांच फंदे तो हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर से ये पांच फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो उल्टे बनाएंगे। इस छठी सिलाई में जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसे ही बुनकर पूरी छठी सिलाई को जो जैसा फंदा दिख रहा है बुनकर कंप्लीट कर लिया। इन्हीं छह सिलाइयों को रिपीट करते हुए हम इस सुंदर से डिजाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।